देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। ये हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के दीवानी कचहरी के पुस्तकालय भवन में, जहां पे तस्वीरों में आप देख सकते होंगे जो चिकित्सक है वो यहां पे वादकारियों और उनके साथ साथ जो अधिवक्ता यहां पर आ रहे हैं उन्हें एक होम्योपैथी की दवा पिला रहे हैं। इनका कहना है कि ये होम्योपैथी की दवा है, जो वो एंटीडोज है कोरोना का, वो जो आपके बॉडी में जो प्रतिरोधक क्षमता है उसे बढ़ाएगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सबसे तेज न्यूज। हम सीधे उन चिकित्सक के, होम्योपैथिक चिकित्सक के पास चलते हैं जो इस डोज को अभी तक कम से कम 300 से ज्यादा लोगों को पिला चुके हैं। सर, माफ करिएगा, 2400 लोगों को। सर, किस तरह का ये आप ये डोज पिला रहे हैं और क्यों आके? कोरोना वायरस का जो है एंटीडोज है और बाहरी बीमारी से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है और आईवी पावर को जो शरीर में जो वाइटल फोर्सेस को जा रहा है। सर, दो तरह की दवाएं हैं, थोड़ा मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। इधर थोड़ा दवा दे दीजिए, ये कौन कौन सी दवा है इसके बारे में बताइए। सर, एक आर्सेनिक एल्बम 200 है, ये आर्सेनिक एल्बम 200 है और ये एंटीबायोटिक हमने जो है बनाया है। ये आर्सेनिक एल्बम 200 जी, और ये जो दवा है वो एंटीबायोटिक ये दवा है, ये बनाई गई खुद की बनाई गई है। ये दोनों प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और आर्सेनिक एल्बम पीने के तुरंत बाद इसको पीने से और इसका पावर बढ़ जाता है। अच्छा, अभी तक कितने लोगों को पिला चुके हैं वादकारी और अधिवक्ता मिला जो है? 2400 लोगों को। तो ये निःशुल्क सेवा आपकी तरफ से है? जी, निःशुल्क सेवा है और ये हम आपको धन्यवाद है वकील सीनियर और हमारे परम मित्र जो है अरविंद तिवारी, इन लोगों के सहयोग से जो है हमने जो निःशुल्क सेवा जो है जनता का जो है। अच्छा, ये आज आपने करा, इसके अलावा और भी जगह पे आप इसका कैंप लगाएंगे? जी जी, फातिमा हॉस्पिटल में अभी 2 दिन पहले जो है फातिमा हॉस्पिटल में पूरे स्टाफ, पूरे नर्स, पूरे जो सिस्टम वहाँ के हैं, जो भी डॉक्टर हैं, सबको पिलाएगा। इसके बाद जो अमरबाड़ी जो विकलांग जो स्कूल है, जो बच्चे विकलांग हैं, वहाँ भी जाके हमको पिलाना है। चलिए देखते हैं, कोरोना से लड़ने के लिए पूरा देश जहाँ तैयार है वहीं ये चिकित्सक अपने भी भागीदारी दे रहे हैं। सीधे बात करते हैं हम सेंट्रल बाल के जो महामंत्री हैं अरविंद तिवारी, उनसे। सर, किस तरह से आपने सोचा कि ये अधिवक्ता प्रभावित होंगे उनको देखते हुए? इस समय पूरे देश में कोरोना वायरस एक महामारी के रूप में फैला हुआ है, जिससे बचाव के लिए हम लोग सारे लोग, देश के प्रधानमंत्री से लेकर सारे लोग जो है तत्पर हैं। हम, मेरा प्रयास रहा कि डॉक्टर बीबी राय जी के सौजन्य से कोरोना वायरस का इन्होंने एक एंटीडोज, एंटीवायरस का एंटीडोज तैयार किया है, कई दवाओं को मिलाकर, जो कि रोगों से लड़ने में सहायक है और किसी भी व्यक्ति को की शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को वो बढ़ा दे रहा है। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट किया कि आप, और आपका हमेशा सदैव सहयोग अधिवक्ताओं को मिलता रहा है पूर्व में भी, तो मैंने मेरे आग्रह पर आपने स्वीकार किया और आज कचहरी के पुस्तकालय भवन में जो है लगभग सारे अधिवक्ता, कर्मचारी, न्यायिक अधिकारी एवं 100-150 की संख्या में वादकारी जो भी कचहरी कैंपस में आए थे, आज सारे लोगों ने, लगभग 2500 लोगों ने आज इस दवा को पिया। इन्होंने निःशुल्क दवा पिलाया जिससे रोगों से लड़ने की शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़े और कोरोना के प्रभाव से मुक्ति मिल सके। चलिए देखते हैं, ये देख रहे हैं तस्वीरों में किस प्रकार से ये वरिष्ठ अधिवक्ता हरिद्वार रहे हैं। इन्होंने मास्क पहना हुआ है, इस तरह के मास्क अगर आपके पास हो जरूर पहने। हम सीधे रुख करते हैं उनका। सर, मास्क लगाया हुआ है, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये संक्रमण काल है और संक्रमित लोग हो रहे हैं, उससे बचने के लिए प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, सब ने आवाज़ लगाई है। अपने ज़िले में जिलाधिकारी जी द्वारा जो प्रयास तेजी से चल रहा है, यह बीमारी न फैले इससे रोकने के लिए अपने पूरे ज़िले में अकेले डॉक्टर बीबी राय जी ने जो कार्य किया है, अकेला ये होम्योपैथिक दवा को पिला करके एंटीवायरस कोरोना को रोकने के लिए जो और तगड़ा इंतजाम किया है, दो दवाओं को मिक्सअप करके, कि वह बीमारी कीटाणु हमारे पर प्रभावी न हो, इस नाते यह दवा पिलाई जाए। मैं सबसे आज अधिवक्ताओं से भी, कर्मचारी जितने हमारे साहबान हैं, सबसे बातचीत किया, सब लोगों ने दवा लिया है और हम सबसे अनुरोध करेंगे कि एंटीवायरस दवा का सब लोग ले लें, क्योंकि यह आपका सवाल नहीं है,
आप एक संक्रमित होंगे तो पूरा परिवार संक्रमित होगा। पूरे परिवार को नाश होने से बचाने के लिए आवश्यक है कि हम सभी एंटीवायरस दवा का इस्तेमाल करें। और इन्होंने जो कार्य किया है यह बहुत पुनीत कार्य है। डॉक्टर बी मीरा ने जो बार के अध्यक्ष राजेंद्र राय जी और महामंत्री अरविंद राय के प्रेरणा से यह कार्य किया है यह सराहनीय कार्य। चलिए तो कोरोना से लड़ना है और इस तरह की जो आप तस्वीरों में देख सकते होंगे किस प्रकार से डॉक्टर जो है वो एक पुनीत कार्य कर रहे हैं। आप भी बचाव करिए अपने घरों में। सैनिटाइजर नहीं है तो आप कपूर और के साथ साथ नींबू अपने पानी में रख सकते हैं क्योंकि सैनिटाइजर की इस समय कालाबाजारी हो रही है। मास्क नहीं है तो गमछे भी लगा के आप चल सकते हैं। सुरक्षित रहिए। प्रधानमंत्री का आह्वान है कि 22 तारीख को अपने घरों से न निकलें और घरों के बाहर सिर्फ वही व्यक्ति जाएं जिनको जरूरत हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और कोरोना से संबंधित कोई सवाल हो तो जरूर हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।